ओके हेलो बच्चों, आज अपन देखेंगे एस फोर सिरोही। ठीक है, सिरोही में दो दुर्ग आई हैं, अचलगढ़ एंड बसंतगढ़। बसंतगढ़ को बसंती दुर्ग भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो सिरोही की आप लोकेशन पता करो कहाँ है। तो अपने को पता है कि सर उदयपुर, उदयपुर के पश्चिम के अंदर सिरोही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मेवाड़ राज्य का हिस्सा रहा हुआ है। ठीक है, तो अब मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता कौन था? कुंभा। तो इसलिए अपन जो दोनों दुर्ग देखेंगे, सिरोही में अचलगढ़ एंड बसंती, बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग, दोनों का निर्माता कुंभा है। ठीक है ना, पहली चीज तो ये। अब आपके देखो, कुंभा के दिमाग में चल क्या रहा था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की, एक विजुलाइज करने की कोशिश करो। कुंभा ने देखा कि भाई चित्तौड़गढ़ में रहना सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी चित्तौड़गढ़ के अंदर उन्होंने क्या बनाया, विजय स्तंभ का निर्माण किया 1448, देखा अपने। फिर अपन देखते हैं कि कुंभा ने किस दुर्ग की नींव डाली, अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव डाली, देखा था ना अपन कल कुंभलगढ़ का। फिर कुंभलगढ़ के बाद अब देखो और आगे बढ़ रहे हैं, उदयपुर और फिर देखो सिरोही। ठीक है, और अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग की एक बार आप लोकेशन देखना क्या है। गुरु शिखर तो जानते ही हो, नहीं देखा तो भी मैं अंदाजा लगवाता हूँ। गुरु शिखर, गुरु शिखर के सामने जो पर्वत है अचलगढ़ पर्वत, उस पर्वत के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो उनके दिमाग में देखो चल क्या रहा था, उस ये किले स्थापत्य वो दर्शाती है। तो भाई कुंभलगढ़ सेफ रहे इसलिए यहाँ। तो एक्चुअली क्या था, जैसे समय समय पर तो मैंने काफी, जैसे दुर्ग का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, मेवाड़ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, गुजरात, और उधर मालवा। तो मालवा को तो चेक करने के लिए भाई चित्तौड़ रखा हुआ था, गुजरात को चेक करने के मतलब चेक पोस्ट, उसमें नजर रखने के लिए अपन ने क्या किया, ये दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग। आज भी जैसे आप जैसे देखना कभी, अभी एटलस में देखो जैसे खोल के, कि सिरोही से जो माउंट आबू, सॉरी सिरोही से जो गुजरात रोड जा रही है वो बिल्कुल आबू रोड जैसे अपन कहते हैं, वहां से होकर निकलती है। ठीक है, और आबू रोड निकल रही है ना, आबू आबू रोड जिसको अपन बोलते हैं, फिर वहां से चढ़ाई चालू होती है वो है। तो वो रोड वहां से होकर निकल रही है बिल्कुल गुजरात जो जाने की है। ठीक है ना, और फिर गुजरात से फिर सिरोही जाते हैं, और फिर सिरोही से उदयपुर रास्ता आता है, और फिर बीच में से नाथद्वारा राजसमंद निकल जाता है। एटलस पे एक बार आप लोकेशन देखो इसकी, गूगल अर्थ पे। अब देखो मैं आपको बताऊं अचलगढ़ दुर्ग का महत्व, और आपको कैसे अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना, जैसे आप कभी गुरु शिखर गए हो, है ना, नहीं गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ चीजें। तो गुरु शिखर पे खड़े होके, क्या गुरु शिखर पे खड़े होके, जैसे मौसम साफ है तो आप देखना पूरब की दिशा में वो हाईवे पूरा दिखाई देता है, तो सिरोही से गुजरात जा रहा है आबू रोड होते हुए। ठीक है, वो दिख गया। अब गुरु शिखर से आपने नोट कर लिया, गुरु शिखर से देखते तो मैदान ही मैदान दिखाई देते हैं, इधर पूरब दिशा के अंदर अपन देखेंगे तो, और वो हाईवे ऐसे पूरा दिखाई देता है सिरोही से गुजरात जाते हुए, है ना। और मैं गुरु शिखर इसलिए बता रहा हूँ कि गुरु शिखर के पास ही स्थित है अचलगढ़ दुर्ग। जैसे माउंट आबू से गुरु शिखर जाते हैं तो बीच में रास्ता सीधा आपकी तरफ मुड़ता है, जाते तरफ जो अचलगढ़ की तरफ जाता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे आप रोड पे जब आ जाओ ना, आप रोड पे आ जाओ, फिर आप रोड से अपन सिरोही आ रहे हैं राजस्थान की तरफ, ठीक है ना, पाली की तरफ। तो गुरु शिखर जो पर्वत है ना, आप अपन नीचे रोड से दिखाई देता है, बाकायदा जो हाईवे, जिस हाईवे को आपने ऊपर गुरु शिखर से देखा ना, वो नीचे से भी दिखाई देता है, दत्तात्रेय का मंदिर बिल्कुल दिखाई देता है। अब वो दिखाई कैसे, तो पहचान कैसे आएगी कि सर जैसे वो तो पहाड़ी पहाड़ी एक जैसी। एक्चुअली क्या, गुरु शिखर की जो पीक है ना, जो जो सबसे ऊंची चोटी अपन बोलते हैं अरावली को, उसको सफेद रंग से रंगा हुआ है, व्हाइट कलर से। ठीक है, फिर नीचे जब अपन हाईवे पे आते हैं, हाईवे पे चलते हैं अपन, जैसे वापस घूमघाम लिए, वापस जब अपन जैसे पाली होते हुए, संडेरा होते हुए जयपुर आ रहे हैं, तो उधर की तरफ जब आप जैसे रोड पे घूमोगे तो आप गुरु शिखर पर नजर डालोगे तो आपको दिखाई दे जाएगी। बस यार, तो मौसम साफ होना चाहिए, है ना, मतलब ये जैसे जो टाइम होता है अपने फरवरी मार्च वाला, और मई जून जुलाई में तो दिखेंगे आराम से, तो वो बिल्कुल आप सफेद पर्वत से पहचान जाओगे, छोटे से बोरी गुरु शिखर बिल्कुल नीचे रोड से दिखाई देता। तो देखो ऊपर गुरु शिखर से रोड दिख रही थी, रोड से गुरु शिखर दिख रहा, ऐसे लाइव बता रहा हूँ। मैंने भी ये चीज नहीं देखी थी, मैं भी वहां गया तभी दिखी मेरे को, क्योंकि जब जैसे वापस आ रहे थे भाई ऊपर से देख लिया नीचे रोड दिख रही है, फिर ये वही हाईवे का ये पता नहीं चला था ऊपर से, क्योंकि रोड काफी दिखाई दे रही है ना, लेकिन जब हाईवे पे नीचे आए तो गाड़ी रोक के मैंने बिल्कुल नोट हुआ, पहले तो चलती गाड़ी में थोड़ा सा दिखा, अरे मैंने देखा यार है तो गुरु शिखर ही, फिर रोकी गाड़ी और फिर बिल्कुल जैसे देखा बिल्कुल, फिर कैमरे से जूम भी करा और मजा आ गया, क्या अनुभूति थी। अब गुरु शिखर के पास से स्थित है अचलगढ़, तो अब देखो आज वो हाईवे भी, हाईवे भी तो कभी वो नॉर्मल रास्ते थे तभी आज वो हाईवे बने हुए हैं, तो अचलगढ़ दूर से इस हाईवे में नजर रखी जा सकती थी, देखो ऐसे है कि नहीं है। तो ये इनके सामरिक महत्व थे, कोई भी दुर्ग बनाने की अगर किसी ने स्थल चुना है, किसी शासक ने, तो कुछ उसका सामरिक महत्व है, उस कारण से उसको चुना है। जैसे कटारगढ़ क्यों इतना अपन ने देखा कि कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ बादल महल इतना ऊंचा, क्यों इतना ऊंचा बनाया कि अबुल फजल को कहना पड़ा कि
इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि कोई देखे नीचे से ऊपर देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाए, उसकी स्थिति, तभी तो मेवाड़ की आंख कहलाता है, क्या टारगेट ऐसे है ना। तो ये भी एक गुजरात से जो शासक आ रहा है, आज भी जैसे आप पालनपुर जाना है गुजरात, इधर से निकलते हैं आबू रोड से रेवदार, आबू रोड से आगे निकलते हैं फिर गुजरात बॉर्डर आ जाता है आपने, वही रास्ता फिर आगे गुजरात जा रहा है पालनपुर होते हुए ऐसे, तो उस हाईवे पर नजर रहे उस दुर्ग से बिल्कुल साफ दिखाई देता है ऐसे, समझ गए। तो ये है अचलगढ़ दुर्ग है ना। तो निर्माता कुंभाई अन्य नाम आबू दुर्ग, ठीक है। आबू आबू पे एक्चुअली क्या था, परमार शासकों का कंट्रोल था, मेवाड़ शासक नहीं आए थे उससे पहले, परमार शासक थे, ठीक है। आबू के परमार अपन बोलते हैं, डोड परमार नहीं, डोड परमार तो छलावाड़ के अंदर रह गए गागरून, यहाँ आबू के शासक थे, ठीक है ना, आबू के परमार, ठीक है। तो पहले परमार शासकों ने यहाँ पे निर्माण कराया था दुर्ग, और परमार शासकों ने जो दुर्ग बनाया था उन्हीं के ध्वंसावशेषों पर 1452 में कुंभा ने निर्माण कराया कुंभलगढ़ का, समझ गए, सॉरी अचलगढ़ का, कुंभलगढ़ भी कुंभा ही है, 1452 कुंभा निर्माण कराया किस दुर्ग का, अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ की पहाड़ी पर, ठीक है। अपन चोटियों के नाम पढ़ते हैं तभी अचलगढ़ भी आता है, ठीक, ऐसे अरावली की चोटियों में, पीक्स ऑफ अरावली में, ठीक है। आबू आबू सिरोही के अंदर अब्दुल अर्बुद है ना, अर्बुद पर्वत, आबू का नाम अर्बुद, तो अर्बुदांचल संधि हो गई, अर्बुद प्लस आंचल, अर्बुदांचल का प्रमुख दुर्ग है, ठीक है ना। ये पूछते हैं ये अर्बुद प्रदेश का या आबू प्रदेश का सबसे प्रमुख दुर्ग कौन सा है, आबू प्रदेश का, तो कौन सा आपने, अचलगढ़ दुर्ग। निर्माता कुंभा 1452, और शुरू में बनाया था परमार शासकों ने, ठीक है ना, लंबे समय तक परमार शासकों की राजधानी थी, परमारों की राजधानी चंद्रावती, तो ये आबू के प्रदेश, आबू के आसपास जो प्रदेश है उसी को अपन चंद्रावती बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, चंद्रावती सुमिलित में आता है, सुमिलित करो तो माउंट आबू से सुमिलित होगी क्या, चंद्रावती, ऐसे अपन को ध्यान रखना। तो आबू आबू के परमारों ने पहले यहाँ मंदिर बनाया, फिर मंदिर क्या, ये दुर्ग बनाया अचलगढ़ का दुर्ग, फिर इसी के ध्वंसावशेषों पर कुंभा ने 1452 में महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा काल लिखा हुआ 3368 ने माउंट आबू पर गुरु शिखर पर्वत के सामने की पहाड़ी पर परमार शासकों द्वारा बनाए गए आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों है ना, ध्वंसावशेषों भग्नावशेषों पर अचलगढ़ दुर्ग को निर्माण किया। तो अचलगढ़ दुर्ग किसने बनाया, कुंभा ने, कब, 1452 में। किस दुर्ग के भग्नावशेषों या ध्वंसावशेषों पर अपने अचलगढ़ जो किसका बनाया हुआ था, अपने परमार शासकों का, ठीक है ना, परमारों की राजधानी परमार, ये अर्बुद अर्बुद प्रदेश अर्बुद अंचल जो प्राचीन काल में किस नाम से जाना था, चंद्रावती, ठीक है, चंद्रावती। समझे, अब देख लो उद्देश्य आ गया, किससे सुरक्षा, गुजरात, गुजरात, फिर आक्रमण देखो हुए महमूद बेगड़ा का आक्रमण हुआ है इसके ऊपर, महमूद बेगड़ा का जो काल है ना वो 1498 से 1511 है, ठीक है, महमूद बेगड़ा, बिगड़ा नहीं है बेगड़ा है, गुजरात के इंपोर्टेंट शासक हुए हैं महमूद बेगड़ा, ठीक है ना, जैसे बहादुर शाह, बहादुर शाह के जो शासक बने, बहादुर गुजरात के शासक ही, फिर महमूद बेगड़ा ऐसे हैं, महमूद बेगड़ा पहले हैं, बाद में बहादुर शाह है, तो बहादुर शाह के समय तो अपन देखते 1534 बाद में जो आक्रमण हो रहे चित्तौड़ 1534 में जैसे जो हुआ आदित्य शाह का, वो बहादुर शाह की देन है, उनसे पहले अपने महमूद बेगड़ा, ओके ये है। फिर महमूद बेगड़ा ने जैसे आक्रमण हुआ था, फिर अपन ने ये जीन माता का जब मंदिर देखा था अपन ने, तब भी मैंने बताया था भंवराथल कॉन्सेप्ट आया था, है ना। तो भंवराथल क्या होता है, जैसे अपन दुर्ग के अंदर देखते हैं मधुमक्खियों के छत्ते लगे रहते हैं है ना, उसको अपन बोलते हैं भंवराथल, तो इस दुर्ग में भी है। तो महमूद बेगड़ा का जब इसके ऊपर आक्रमण हुआ, ठीक है, तो मधुमक्खियों ने महमूद बेगड़ा की सेना पर आक्रमण कर दिया, जैसे जीन माता के मंदिर में अपन देखते हैं कि औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया तो मधुमक्खियों ने हमला किया। तो भंवराथल के लिए ये दो चीजें बहुत फेमस है, अचलगढ़ एंड जीन माता का मंदिर, ठीक है। तो अचलगढ़ दुर्ग भंवराथल महमूद बेगड़ा की सेना ने आक्रमण किया, तो बदले में आक्रमण का जवाब किसने दिया, कुंभा की सेना ने नहीं, किसने, मधुमक्खियों ने। तो यह है भंवराथल, मधुमक्खियों द्वारा हमला है ना, महमूद बेगड़ा गुजरात के शासक की सेना को पीछे धकेला मधुमक्खियों ने। फिर अपन देखते हैं दुर्ग के जो प्रमुख स्मारक है यहाँ पे कौन कौन से है, एक तो अचलेश्वर महादेव, अचलगढ़ है तो अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर है, लेकिन यहाँ क्या है, शिवलिंग के स्थान पर सिर्फ एक गड्ढा है, हो सकता है कि शिवलिंग को निकाल के ले गया ऐसे, तो अचलेश्वर महादेव मंदिर है, शिव मंदिर है, शिवलिंग की जगह सिर्फ गड्ढा है। और दूसरा जो अपन देखते हैं यहाँ पे कहते हैं शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है, ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान में रखना है स्मारक के रूप में, ठीक है, शिवलिंग ना वगैरह गड्ढा और शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है, ठीक। फिर यहाँ पे मूर्तियां हैं, एक तो दुर्साहाड़ा है, प्रमुख चारण कवि हुए हैं दुर्साहाड़ा, ठीक है, उनकी पीतल की मूर्तियां हैं, पीतल,
ठीक है, दुर्साहाड़ा की पीतल की मूर्ति, और दूसरी है अपने सावन भादो मूर्तियां जो कुंभा व उदा की हैं, कुंभा पिताजी और उदा उनके बेटे, और उदा द्वारा ही हत्या की गई थी मामा देवकुंड के पास कुंभा की। समझ गए? तो यहाँ पे दो मूर्तियां हैं, मूर्तियां किस किस की, एक तो दुर्साहाड़ा की पीतल की, जैसे अपन कह रहे थे ना कि दूसरा बर्तन लाओ पीतल का, ऐसे ये अचल है मन, ये बर्तन, तो दूसरा बर्तन लाओ पीतल का, तो दुर्साहाड़ा पीतल की मूर्ति हो जाएगी। और दूसरा अपने सावन भादो, ठीक है, सावन भादो मूर्तियां किसकी, अपने कुंभा की और उनके पुत्र उदा की, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सावन भादो मैंने सारा बताया था, झरना महल सब देखे हुए अपन ने, सावन भादो लिस्ट के अंदर वो सारी डिटेल है अपने पास। तो सावन भादो मूर्तियां किस किस की हैं, पिताजी और बेटे की, पिता कौन कुंभा, बेटे कौन उदा, और पीतल की मूर्ति दुर्साहाड़ा, ऐसे ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे झील भी है जिसको अपन बोलते हैं सावन भादो झील, ठीक है ना, तो सावन भादो तो मूर्तियां भी हैं और झील भी है, तो यूं देख लो कि सावन भादो झील के अंदर मामा देवकुंड के पास अपन ने हत्या देखी थी किसकी, महाराणा कुंभा की, करी किसने थी उदा ने, तो ऐसे सावन भादो भाई पिताजी भाई नहीं किसको बेटे को, तो बढ़िया सावन भादो, सावन भादो झील और उसमें मूर्तियां, भाई नहीं बेटे को पिताजी, सावन भादो झील, ठीक है। फिर मंदाकिनी कुंड भी है, मंद है जिसकी अग्नि मंदाकिनी, ठीक है। तो ऐसे अपन ने देखा अचलगढ़ दुर्ग, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्माता कुंभा वर्ष 1452 किसके भग्नावशेषों पे परमार शासकों द्वारा बनाए गए, और अचलगढ़ पर्वत कहां, गुरु शिखर पर्वत के सामने, उद्देश्य क्या, कहां से किससे रक्षा, गुजरात से, जैसे महमूद बेगड़ा का आक्रमण हुआ तो भवराथल मधुमक्खियों ने बचा, समझ गए ऐसे। और फिर यहाँ पे मंदिर के स्मारक के रूप में क्या, महादेव अचलगढ़ महादेश्वर, महादेव मंदिर अचलगढ़ महादेव मंदिर, शिव जी के अंगूठे की पूजा, ठीक है, और शिवलिंग के स्थान पे सिर्फ गड्ढा है, और मंदिर जैसे देखते हैं, मूर्तियां जैसे देखते हैं, तो दुर्साहाड़ा की पीतल की मूर्ति है, दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट वो क्या, सावन भादो मूर्तियां कुंभा की और उदा की, और सावन भादो झील भी स्थित है यहाँ, और मंदाकिनी कुंड भी। तो ये था आपने अचलगढ़ का दुर्ग, अरबुदांचल चंद्रावती प्रदेश का, समझ गए। फिर दूसरा जो सिरोही प्रदेश में अपन दुर्ग देखते हैं वो है बसंतगढ़, इसको बसंती दुर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि खीवल माता का मंदिर कौन से दुर्ग में स्थित है, खीवल, खीवल माता का मंदिर इसलिए क्योंकि खीवल माता का मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से अभिलेख मिला है, जिसको अपन बसंतगढ़ शिलालेख बोलते हैं, है ना, बसंतगढ़ शिलालेख बसंतगढ़ दुर्ग से मिला है। और ज्यादा और स्पेसिफिक जाए तो बसंतगढ़ दुर्ग में स्थित खीवल माता के मंदिर से बसंतगढ़ शिलालेख मिला है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो अपन राजस्थान शब्द देखते हैं ना, राजस्थान, उस राजस्थान शब्द के प्राचीनतम उल्लेख जो है, राजस्थान शब्द के जो प्राचीनतम उल्लेख है उनके जो साक्ष्य के रूप में दो अभिलेख हैं, तो एक तो गोसुंडी अभिलेख है, ठीक है, और दूसरा जो अभिलेख है जिसमें राजस्थान नामक शब्द की जानकारी मिलती है वो ये बसंतगढ़ शिलालेख है, ठीक है। उसमें शब्द है राजस्थाना, राजस्थान, राजस्थानीय दित्य, ठीक है, राजस्थान, राजस्थानीय दित्य, शिलादित्य यहाँ का शासक था बसंतगढ़ का, उसके समय का अभिलेख है खीवल माता का। और दूसरा पहला अभिलेख तो घोसुंडी अभिलेख है, उसमें शब्द मिलता है राजस्थानीय, ठीक है, और खीवल माता बसंतगढ़ से जो मिला उसमें राजस्थानीय के आगे दित्य और लगा हुआ है, राजस्थान, राजस्थानीय दित्य, ठीक है। तो ये दो अभिलेख है जो हमें राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख यहां से मिलते हैं। घोसुंडी अभिलेख में शब्द है राजस्थान के राजस्थान, राजस्थानीय, और खीवल माता बसंतगढ़ अभिलेख के अंदर राजस्थानीय दित्य, और दित्य किसके कारण लगा है, शिलादित्य के समय का शासक है वहां का शासक, इसलिए बसंतगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट खीवल माता के मंदिर के कारण, और बसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है। तो बसंतगढ़ है कहां, आपने पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर, मैप पे लोकेशन जरूर देखना, निर्माता वही है जो अचलगढ़ दुर्ग के थे, कौन कुंभा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ खीवल माता का मंदिर है, यहां से क्या मिला है, बसंतगढ़ शिलालेख मिला है, और राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया है वो क्या है, राजस्थानीय दित्य, ठीक है, और इतना जो है ना राजस्थानीय, ये अपन को गोसुंडी अभिलेख से भी मिलता है, चित्तौड़ से जो मिला है राजस्थान में भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख गोसुंडी अभिलेख, ठीक है। ये अपने बसंतगढ़ अभिलेख जो बसंतगढ़ दुर्ग से बोल लो या बसंतगढ़ दुर्ग में स्थित खीवल माता के मंदिर से अपने को प्राप्त हुआ है, शासक शिलादित्य था, तो शिलादित्य का द्वितीय आ रहा है इसके अंदर ही एक्चुअली लास्ट के अंदर, तो गोसुंडी और बसंतगढ़ शिलालेख में जो राजस्थान के नाम में डिफरेंस है वो द्वितीय का ही है, बसंतगढ़ में राजस्थानीय द्वितीय है और गोसुंडी में राजस्थानीय है, इतना ही फर्क, समझ गए। तो ये था आपने दो दुर्ग सिरोही से संबंधित, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट है, कोई ऐसे कोई ज्यादा इसके अंदर है नहीं कोई परेशान होने वाली बात,
ओके, फिर आते हैं अपने सीकर के दुर्ग, सीकर ओके।